खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो हैं तो सर सबसे वो पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे कभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद की एक्सपीरियंस में मेरी नानी, मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था, खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर, उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपके मुझे छोटे सामने छोटे कैलोरी चेंजेस कम अब करने का भी तो चैलेंज रहता होगा और इतना बड़ा काम करने का भी चैलेंज रहता होगा, उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर मैंने अभी जो अपने अनुभव में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पोटा खाते चले जाते हैं पूरा दिन। तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को, और रात तक हम खाते चले जाते। तो मैं जब छोटा भी था तो 11:30-12 बजे डिनर हो रहा है, उसके बाद मीठा खा के एकदम सो गए, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ उसके बाद वॉक नहीं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने अंदर के सिस्टम को भी कितना समय दे रहे हैं उस खाने को प्रोसेस करने के लिए जो आप खा रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। आप अपने आप को ओवरऑल फिट रखने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी रुजुता जी ने बोला। तो प्रायोरिटी बहुत जरूरी है अपने दिमाग में कि आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे बाहर। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है, क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या 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 करना पड़ता है? सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ
और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूं। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है, और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, अब स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहां पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक एक सर बेंचमार्क आई थिंक इलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, उससे एक फिटनेस विराट कल्चर जी, बना मैं रहे। देख रहा हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नज़र आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ, कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूं और 1 मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूं, तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आइए मुकुल कानिटकर जी से बात करते हैं। ये मुकुल जी की दुनिया अलग है, जो उनसे बात हाँ करते ही हमें पता चलेगा मुकुल जी से। मुकुल जी, जी, आपके हिसाब से बड़ा आज के संदर्भ में आप फिटनेस का अर्थ क्या करते हैं? क्योंकि आप तो गीता और विवेकानंद और इन्हीं चीजों के आसपास अपनी बातें करते रहते हैं, तो जी, उस बातों को कैसे समझाएंगे आप? हम भारतीय दृष्टि में, शिक्षा में, भारतीय दर्शन में फिटनेस को या स्वास्थ्य को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। इट्स अ कंप्लीट कंसेप्ट। केवल शरीर के स्वस्थ होने की बात नहीं है, मन, बुद्धि और उससे भी महत्वपूर्ण भावना का स्थान फिटनेस में बहुत बड़ा होता है। और एक पक्ष जिसको आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान में देता है हेल्थ की डेफिनेशन में, वह पक्ष है सामाजिक स्वास्थ्य का पक्ष। और इसलिए आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण और फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, स्वस्थ भारत का यह अभियान शुरू किया है, क्योंकि पूरा समाज स्वस्थ होने का प्रयास करेगा तब व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, अकेले के प्रयास करने से नहीं होगा। इसलिए ये जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है स्वास्थ्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको तो बहुत खुशी होती है, भगवद गीता कहती है यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त्व देवे तरो जनः। और देश के प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का बखान करते हैं, तब सारा देश प्रेरणा लेता है सूर्य नमस्कार की। मैंने 4 साल की उम्र में माँ को सूर्य नमस्कार करते हुए देखा और उनका अनुसरण करते करते सूर्य नमस्कार सीखा, और तब से सूर्य नमस्कार एक दिन भी बिना रुके कर रहा हूँ। और आज मध्य प्रदेश में हर स्वामी विवेकानंद जयंती को, 12 जनवरी को आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार का संचालन होता है, और 1 करोड़ से ज़्यादा स्कूली छात्र 2007 से लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं। इसलिए आपका वो सूर्य नमस्कार का वीडियो देख करके इतना आनंद हुआ और ऐसा लगा कि अब इस देश के सर्वोच्च स्थान से भी सूर्य नमस्कार की बात हो रही है। तो समर्थ रामदास के बाद आपकी याद आई कि आपने ऐसा एक बहुत अद्भुत मंत्र दिया। मुकुल जी, आप इतने सालों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? जैसे आपने कहा कि भी एक मध्य प्रदेश का सूर्य नमस्कार की सफलता, और आप जिस मिशन को लेकर काम करते हैं, आपको क्या लगता है? भगवद गीता दो वीरों के बीच का संवाद है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। कृष्ण वह है जिसने एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, और अर्जुन को सव्यसाची कहते हैं, दाहिने बाएं दोनों हाथ से गांडी उठा करके 24 घंटे बिना नींद लिए कर्म करने की क्षमता है। इसलिए भगवद गीता दो सबसे फिट लोगों के बीच का संवाद है। इसलिए गीता का स्वाध्याय यह फिटनेस का मंत्र है, और उससे आदमी के मन में वह जागृति होती है कि मेरे को अपने जीवन में सब स्तर पर
शरीर मन बुद्धि भावना के स्तर पर और उससे भी ऊंचा आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पे भी फिट होना बहुत आवश्यक है, ताकि मेरा मन मेरे शरीर में फिट हो, मैं परिवार में फिट हूं, मेरा परिवार समाज में फिट हो, समाज पूरे राष्ट्र की आवश्यकता में फिट हो, और हमारा राष्ट्र विश्व में योगदान करने के लिए विश्व समुदाय में फिट हो। तब तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम होगा, और हम पर्यावरण को भी फिट करेंगे। इसलिए ये फिटनेस एक भगवद्गीता एक समग्र विचार हमको देती है, एक दृष्टि देती है। और इसलिए मैंने हमेशा पाया, पिछले 30 वर्षों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो युवाओं को जब ये दृष्टि देते हैं तब वो कहते हैं, पहले तो हम सोचते थे गीता रिटायरमेंट के बाद की बात है, अब पता चलता है गीता पढ़ेंगे तो रिटायर होंगे ही नहीं, रिटायर होते रहेंगे, बार बार टायर बदलते रहेंगे और नई नई पारी खेलते रहेंगे। यह युवाओं को प्रेरणा भगवद गीता से मिलती है। मुकुल जी, आप शिक्षा और युवाओं को लेकर पैशनेट है, आप यानी युवाओं के मन में भी आपसे कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है। मेन चीज है मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, क्या उसके संबंध में आप कुछ बात सरलता से समझा पाएंगे? जी बहुत बढ़िया। आपको पहले तो एक इस बात के लिए बधाई दे दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने फिटनेस को, खेल को, योग को एक्स्ट्रा करिकुलर से करिकुलर में लेकर के आया। अब ये पाठ्येतर गतिविधि नहीं बन गई, अब ये पाठ्यक्रम का अंग बन गई है, अब उसके क्रेडिट मिलेंगे। ये एक बहुत अद्भुत क्रांतिकारी काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी बधाई। मैं से हम की प्रक्रिया है, ये जो व्यक्ति केंद्रित विचार के कारण फिटनेस में गड़बड़ होती है, चाहे वो फिर आहार की बात हो, चाहे विहार की बात हो, चाहे व्यायाम की बात हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र है, वह मंत्र होता है मैं के विस्तार से। इसलिए मेंटल और इमोशनल फिटनेस जो है वह निस्वार्थता की ओर ले जाने वाली है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, एन ऑन्स ऑफ अनसेल्फिशनेस, एक रत्ती भर भी निस्वार्थता आपको टनों शक्ति प्रदान करती है, इतनी बड़ी मनो शक्ति प्रदान करती है। ये जो ताकत देने वाली बात है, जब मैं व्यक्तिगत स्वयं के लिए काम करता हूँ और जब मैं उसी काम को परिवार के लिए करता हूँ, तो मेरे मन का विस्तार होता है, मेरी भावना का विस्तार होता है, मेरा पर्पज ऑफ लाइफ बड़ा हो जाता है। और आज आप सारे काम देश के लिए करते हैं, 24 घंटे देश के लिए काम करते हैं। विराट कोहली जी जब देश के लिए खेलते हैं और जब क्लब के लिए खेलते हैं, उनके खेल में हम देखने वालों को फर्क दिखाई देता है। जब मैं राष्ट्र के लिए स्वयं को दांव पर लगाता हूँ तो मेरी इफिशियंसी बदल जाती है, क्योंकि मेरी भावना का उतना विस्तार होता है। फिर 135 करोड़ भारतवासियों का भावनात्मक संबल भी मुझे मिलता है। इसलिए ये जो मैं से हम की प्रक्रिया है, और फिर भारत सारे विश्व के लिए काम करता है, तो सारी मानवता, सारी सृष्टि और फिर परमेष्टि, ये जो आध्यात्मिक विकास तक जो मैं से हम की यात्रा होती है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि, यह जो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है, यह फिटनेस का एक बहुत बड़ा मंत्र है। ये जीवन का पर्पज ऑफ लाइफ बदल देता है, और पर्पज ऑफ लाइफ ही तो सब कुछ है, नहीं तो फिर तो मेंटेनेंस की हो जाएगी कि कार घर में ले आओ और उसको चकाचक रखो और मेंटेन करो, लेकिन चलाओ मत क्योंकि चलाने से खरोच आ जाएगी। वैसे ही शरीर को केवल मेंटेन करना तो फिटनेस नहीं है, उस शरीर मन बुद्धि से बने हुए व्यक्तित्व का एक गंतव्य है, एक लक्ष्य है, एक पर्पज ऑफ लाइफ है, एक मकसद है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमको काम करना है। और जब इस देश के 135 करोड़ लोगों के मन में राष्ट्रहित गंतव्य हो जाएगा, मेरा छोटा से छोटा व्यापार भी, मेरी छोटी से छोटी नौकरी भी, मेरा छोटा से छोटा कर्म भी, मैं भारत के लिए योगदान कर रहा हूँ, ये भाव आ जाएगा, तो फिर फिट रहना मेरा कर्तव्य हो जाएगा, मेरी ड्यूटी हो जाएगा, मेरा धर्म हो जाएगा, लग्जरी नहीं रहेगा, इट वोंट बी ए लग्जरी, इट विल बी माय प्राइम ड्यूटी कि मैं फिट रहूंगा तो भारत फिट रहेगा। इसलिए इस भाव को आपने जगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मन से प्रणाम और हृदय से धन्यवाद। और आप उसको, यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप उदाहरण बन करके उसको लीड कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। आज देश के वो प्रेरणा देने वाले ऐसे 7 महानुभावों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने समय निकाला और आपके खुद के अनुभवों को बताया। आपने फिटनेस के भिन्न भिन्न आयामों पर खुद के जो अनुभव शेयर किए, वो निश्चित रूप से देश की